Assalamualaikum everyone. My name is Khalid Khan, and you are watching a video of Learn English with Khalid Khan. Well, listeners, beside learning English language, you may have come to know my name, at least at very least. Well, uh, topic 28, passive voice, possible, and the title sentence is "I was given the flowers." Well, हर किसी को फूल नहीं मिलते, तो ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती है. और बहुत सारे लोगों को फूल के साथ कांटे भी बहुत मिलते हैं वेल दीज आर दी ऑब्जेक्शंस तो हम इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं आई वॉज जस्ट हॉकिंग अबाउट द टाइटल सेंटेंस ठीक है तो टाइटल सेंटेंस ये है आज हम जो सीख रहे हैं फैसि वॉयज वो फास्ट सिंपल है फास्ट सिंपल में यानी कि पास्ट के अंदर जो एक्शंस हुए थे ठीक है हम अब उनके बारे में बताएँगे एक्शंस हुए थे मगर किसने किए थे अब हम वो जिक्र नहीं करे करना चाहते तो देट इज़ वाई वी आर लर्निंग फैसि वॉइज फास्ट सिंपल ठीक है इसके थोड़ा से हम आगे चलते हैं देखते हैं देखें सेंटेंस फार्मूला बहुत सिंपल होगा रिसीवर प्लस बॉस प्लस सेट फॉर्म तो इसकी पहचान यही है ये कि अभी तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते आए थे बॉस के साथ इज एम आर बी बॉस के साथ हम लोग लगाते हैं एन फॉर्म इस तरह करके ना अब हम बॉस के साथ थर्ट फॉर्म लगा रहे हैं ठीक है तो जब थर्ट फॉर्म लगा रहे हैं तो इससे हमें साफ क्लियर हो रहा है कि ये फैसी वॉइस है ठीक है अच्छा ये वॉज लगे कि इनके साथ देखें कुछ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कुछ याद आ रहा है आपको जी हाँ ये 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 जो है सब्जेक्ट्स होते हैं ठीक है इसी तरह रिसीवर्स भी हैं ठीक है तो अब रिसीवर्स कौन कौन से होंगे इसमें आई ही शी इट दिस, दैट, एनी सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल थिंग्स तो इन सब के साथ हम वॉस का इस्तेमाल करेंगे और प्लस सर्टफॉम लगा देंगे ठीक है एक्टिव इसका सेंटेंस लिखा हुआ है सर खालिद कंडक्टेड क्लास टुडे सर खालिद ने आज क्लास लेट कंडक्ट की थी ठीक है अब जब इसका जो रिसीवर है वो है क्लास ठीक है क्लास रिसीव की गई थी लेट तो हम क्या करेंगे इसको रिसीवर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे क्लास वॉज कंडक्टेड लेट टुडे तो इस तरह हम पैसे वेज बना लेंगे बहुत सिंपल है अगर इसकी लॉजिक को अगर हम समझेंगे सो इट्स क्वाइट क्वाइट क्लियर और क्वाइट सिंपल एज वेल वेल एनी वाई तो जब हम जुमला बोल देते हैं तो अक्सर हम चाह रहे होते हैं कि इसमें डूअर भी एड करते हैं तो वो हम एजेंट के जरिए बोल सकते हैं जैसे कि इसी के नीचे जुमला लिखा हुआ है क्लास वोस कंडक्टेड लेटे बाई सर खालिद खान ठीक है तो ये लैंग्वेज थर्मिनोलॉजी में जो बाई के बाद हम डुअर को ऐड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एजेंट ठीक है तो इस तरह जुमले बनेंगे अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो उसके अंदर हम रिसीवर को रख के वोज नोट लगा देंगे ठीक है क्लास वाज नॉट कंडक्टेड क्लास नहीं ली गई थी लेट टुडे ठीक है तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है तो बहुत आसान हो जाएगा इस तरह ठीक है जब सवाल बनाएंगे तो डेफिनेटली हम वो उसको पहले ले आएंगे ठीक है वाज क्लास कंडक्टेड लेट टुडे क्या आज क्लास देर से ली गई थी ठीक है जब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम वॉल्स क्लास नॉट जैसे कि हम अब हम ये आसानी समझ चुके हैं कि नगेटिव इंटेरोगेटिव में सिर्फ और सिर्फ हमें नॉट का इजाफा करना होता है ठीक है वॉल्स क्लास नॉट कंडक्टेड लेट छोड़े तो इस तरह क्या क्लास लेट नहीं ली गई थी इस तरह जुमला बन जाएगा और बहुत आसान है अगर समझ समझना चाहें हम लोग तो इसमें मुझे तो कोई डिफ़िकल्टी नज़र नहीं आती ठीक है आगे चलते हैं देखते हैं अब देखें क्या होगा ऐसे रिसीवर्स जो कि हैं यू दे, वई एनी प्लूल एंड काउंटेबल थिंग्स ऐसे रिसीवर्स के साथ हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे ठीक है और थर्ड फॉर्म लगा देंगे प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स तो इस तरह हमारा जुमला मुकम्मल हो जाएगा एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है सम वेरी इन्फॉर्म यू ऑन टाइम किसी ने आपको टाइम पर मुतला किया था ठीक है जब हम इसके जब हम जुमला बनाएंगे तो आप मुतला किए गए थे टाइम पर ठीक है तो इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप जुमलों से रिसीवर्स को पिक करने लग जाएं कि अगर मैं बैपरी वर्स में बनाऊँ तो इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूँगा ठीक है यू वर इन्फॉर्म्ड ऑन टाइम देखें यू वर इन्फॉर्म्ड अगर आप वर के साथ सर्ट फॉर्म नज़र आ रही है आपको तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि आपने इन्फॉर्म नहीं किया था आप इन्फॉर्म किए गए थे यानी कि मतला किए गए थे तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे तो वेल आई थिंक ये बहुत आसान हो जाएगा ठीक है यू वर इन्फॉर्म ऑन टाइम आपको वक्त पर मुता किया गया था ठीक है और जब हम एजेंट का इस्तेमाल यानी कि डूअर को हम बताना चाहेंगे तो हम बोल देंगे यू वर इन्फॉर्म ऑन टाइम बाय समबडी ठीक है बहुत आसान है नेगेटिव जब बनाएंगे हम तो हम क्या करेंगे डेफिनेटली वर नॉट लगा देंगे ठीक है यू वनट इन्फॉर्म ऑन टाइम आपको टाइम पर मतला नहीं किया गया था ठीक है टाइम से बना वक़्त ठीक है वक्त अच्छा इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वर्क को पहले ले आएंगे वर यू इनफॉर्म ऑन टाइम क्या आपको वक्त पर मतला किया गया था और निगेटिव इंटरोगेटिव अब बहुत आसान हो चुका है आपके लिए यू नॉट इनफॉर्म ऑन टाइम वर यू नॉट इनफॉर्म ऑन टाइम ठीक है तो क्या आपको टाइम पर मतल नहीं किया गया था आगे चलते हैं इसको देखते हैं आगे इसके जुमले किस तरह बन रहे हैं अब बात हो रही है सेंटेंसेज विद टू रिसीवर्स यानी कि कुछ ऐसे जुमले होते हैं जिनमें टू रिसीवर्स होंगे यानी कि दो चीज़ें होंगी जो इफेक्ट हो रही होंगी ठीक है और बाकी रह गया फर्स्ट पर्सन का जुमला तो वो मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया ताकि दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएं ठीक है आई के साथ भी हम वोज लगाते हैं ठीक है तो इसका एक्टिव वॉइस जो है वो है समबरी गेव मी द फ्लावर्स किसी ने मुझे फूल दिए थे तो होता ये है कि किसी ने मुझे फूल दिए थे मुझे दिए थे इसका मतलब है एक तो रिसीवर ये हो गया ठीक है फूल दिए थे तो ये दूसरा रिसीवर हो गया तो कहने का मकसद ये है कि काफ़ी सारे जुमलों में हम हमारे हमारी जो के रिक्वायरमेंट होती है हम उसके हिसाब से जुमला बनाते हैं ठीक है कि अब मैं चाहूँ तो फोकस कर दूँ आय को चाहूँ तो मैं फोकस कर दूँ फ्लावर्स को ठीक है तो ये बहुत आसान है और कहने का मकसद ये मगर एक काफ़ी जगहों पर फ्रोपसली इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि किस चीज़ को अहमियत पहले देनी है ठीक है तो इसका जो पहला रिसीवर बन रहा हुआ है आई आई वॉज गिव इन द फ्लावर्स मुझे फूल दिए गए थे ठीक है और इनकार करेंगे तो बोलेंगे आई वॉज इन्ट गिव इन द फ्लावर्स मुझे फूल नहीं दिए गए थे ठीक है वोज आई गिव इन द फ्लावर्स वॉज पहले रखा और आय रिसीवर को उसके बाद रखा गिव इन द फ्लावर्स क्या मुझे फूल दिए गए थे और वोज आइन नॉट गिव इन द फ्लावर्स क्या मुझे फूल नहीं दिए गए थे ठीक है तो ये हमने फोकस किया आई को अब हम फोकस कर रहे हैं दूसरे जुमलों में फ्लावर्स को ठीक है फ्लावर्स वर गिव इन मी अच्छा फ्लावर्स एक से ज़्यादा हैं तो हमने क्या किया वर का इस्तेमाल किया आई के साथ बोज लगता है तो हमने उसके साथ बोझ लगाया तो इस सिचुएशन situation, ऐसी सिचुएशंस के अंदर आपको ये जजमेंट करना पड़ेगी कि तो जो रिसीवर होगा उसके हिसाब से ही आपको वो वर् लगाना पड़ेगा ठीक है फ्लावर्स वर गिवन मी मुझे फूल दिए गए थे अच्छा मुझे फूल दिए गए थे अब ये जुमला थोड़ा सा इससे मैच नहीं कर रहा फूल मुझे दिए गए थे अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हो सकता है गिफ्ट दिए गए हों पैसे दिए गए हों मगर जब हम फोकस करते हैं फ्लावर्स वर गिवन मी फूल दिए गए थे मुझे अब जुमले की जो ट्रांसलेशन है वो बेहतर है ठीक है इसी का जब इनकार करेंगे तो हम बोलेंगे फ्लावर्स वर नॉट गिवन मी या वर्ण गिवन मी फूल नहीं दिए गए थे मुझे अब आप इनकार कर रहे हैं इस चीज़ का कि हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें मिली हों मगर फूल नहीं मिले थे आपको ठीक है अब आपको इस जुमले की अहमियत का अंदाज़ा हो सकता है इस बात से ठीक है अच्छा पहले वाले जुमले में था आए यानी कि फोकस किया था मुझे यानी कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को फूल मिले हो मुझे नहीं मिले थे या मुझे मिले थे बहुत सारे लोगों को नहीं मिले थे तो इन सब चीज़ों की अहमियत होती है ठीक है इन बनाने में हम बोलेंगे वर् फ्लावर्स गिवन मी क्या मुझे फूल दिए गए थे ठीक है क्या फूल मुझे दिए गए थे ठीक है आप देखें इससे फर्क आया नहीं आया चले वर्ल फ्लावर्स नॉट गिवन मी फूल क्या नहीं दिए गए थे मुझे ठीक है इसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब अब एक चीज़ नज़र आएगी हमें सेंटेंस विद डब्ल्यू एच क्वेश्चन अच्छा कुछ जो हैं सवालत भी तो हो सकते हैं डब्ल्यू एच के साथ जी बिल्कुल हो सकते हैं तो पहली मिसाल मैंने दी है हु वॉज अरेस्टेड लास्ट नाइट कल रात कौन पकड़ा गया था अच्छा इसने किसी को नहीं पकड़ा था कौन पकड़ा गया था ठीक है तो हु वॉज अरेस्टेड किसको पकड़ा गया था ठीक है वाई वॉज नॉट दिस डोर फेंटेड क्यों ये दरवाज़ा कलर नहीं किया गया था ठीक है तीसरी मिसाल है वे वॉज द फेमेंट मेड यानी कि जो फेमेंट है कहाँ बनाई गई थी पेड की गई थी किस जगह बनाई गई थी पेमेंट ठीक है वेन वॉज द फॉरटी स्टार्टेड यानी कि जो फॉरटी थी कब स्टार्ट की गई थी ठीक है वो वॉज आस्ट यू इन द मेरिंग लास्ट वीक यानी कि आपसे क्या पूछा गया था लास्ट मीटिंग में ठीक है लास्ट वीक अच्छा इसी तरह आखिरी जुमला है हाउ वज द फेंटिंग फिक्सड यानी कि फेंटिंग को किस तरह फिक्स किया जाता है अच्छा कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जैसे बैल है वो फिक्स की जाती है फेंटिंग को हैंग भी किया जाता है और फिक्स भी किया जाता है बहुत सारी बड़ी बड़ी पिक्चर्स होती हैं ना उनको पूरी दीवार के ऊपर जिनको लगाते हैं उनको फिक्स किया जाता है यानी anyway, तो इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि ए है उसको फ़िक्स नहीं किया जाएगा उसको इंस्टॉल किया जाता है तो ये सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं भारत एनी वे उम्मीद है आपको ये बहुत आसान सा टॉपिक है और आपको समझ भी आया होगा और मज़ीद इसकी वीडियो देखने के लिए आप आगे चलेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए इस खादिम को हाफिज़ कहिएगा अल्लाह हाफिज़